चलिए इस लेक्चर में हम देखते हैं आज भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको बता दें, भारत की संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान की मांग को लेकर। भारत को एक संविधान देने के प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 में। संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 1946 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितने अवधि तक चला? तो ये चला था 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला? तो 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक। 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1947 को। प्यारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 21 फरवरी 1948 को। B.R. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ? तो नवंबर 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित किसने किया था? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एयाज रसूल। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारतीय संविधान की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन पर बहस हुई थी? 114 दिन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण में कितना खर्च हुआ? तो लगभग 6.4 करोड़ रुपये। संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी थे। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जे बी कृपलानी थे, ये देख लिया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 33। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था, प्रदान किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। विधानसभा
ने अंबेडकर की अध्यक्षता में कब प्रारूप समिति का गठन किया? तो 24 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 जनवरी 1949 को। चलिए, तो संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हमने इस लेक्चर में।